मेहनत मारी लुट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत मारी लुट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत मारी लुट तुम्हारी मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन से दी हुई कॉल, क्षेत्री का फुल डे धरना। पिछले दिनों सर आपने देखा होगा, हमने हाफ दिन डे धरना रखा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कोई गौरव फिक्र नहीं की। हमारी जो है मेन डिमांडे जो है डीपीसी है, 2211 हेड की सैलरी और उसका परमानेंट सोल्यूशन है। जो हमारी 2010 से जो हमारी पेंशन बंद की हुई है, हम चाहते हैं कि बहुत सी स्टेटों में लागू है, वो यहाँ पे भी लागू की जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक कोई भी हमारे इस मसले पर गौरव फिक्र नहीं की। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से जितने भी हमारे मसले हैं वो गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी करे, नहीं तो आने वाले टाइम में हम हो सकता है लंबी स्ट्राइक की कॉल दें, जिसकी रिस्पांसिबिलिटी पूरी गवर्नमेंट की होगी। इकट्ठे हुए हैं यहाँ जम्मू कश्मीर फेडरेशन की तरफ से कि हमने 6 तारीख को पहले भी स्ट्राइक पे बैठे हुए थे हाफ डे की, तो ये माने ही नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ गौर नहीं दिया इसके ऊपर, तो इसलिए हमने पहले भी इनको अल्टीमेटम दिया तो माने नहीं। अब दोबारा हम इसलिए आज फुल डे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं कि हमारी डिमांड्स हैं कि एक तो 2211 की सैलरी रिलीज नहीं कर रही है, और दूसरा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको भी न्यू पेंशन मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू किया जाए, और डीपीसी हमारी जल्द से जल्द हो, क्योंकि डीपीसी हुए भी हमारे काफ़ी साल हो गए हैं। हर डिपार्टमेंट में बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ 6 महीने बाद डीपीसी हो जाती है, हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है यहाँ पे तो कितनी देर हमें 11-12 साल हो गए हैं डीपीसी नहीं हुई हमारी। तो मैं यही गुजारिश करूँगी गवर्नमेंट से कि हमारी बातों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि सैलरी ना मिलने की वजह से कईयों को तो 6-6 महीने की सैलरी नहीं मिली, लेडीज़ को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक ऐसा है कि वो हर काम लोन लेके ही करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई किसी ने मकान बनाना है वो भी लोन लिया होता है, जब 1 महीने की सैलरी रिलीज नहीं होती तो लोन की प्रॉब्लम आती है, हमें किस्तें कैसे देंगे हम, वो घर चलाना उनको बड़ा प्रॉब्लम आ रही है लेडीज़ को। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी मांगें पूरी की जाए। मेरे साथी कुलजीत जी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट, हमारे सारी ब्लॉक प्रेजिडेंट हैं, और भी मेरे साथी यहाँ बैठे हैं। तो मीडिया के थ्रू ये मैं बताना चाहता हूँ कि पीछे भी हमने 24th को हमने 3 घंटे की स्ट्राइक की थी, पेन डाउन टूल डाउन स्ट्राइक, और हमारी कोई भी सुनवाई उसके बाद कोई नहीं हुई है। और उसके बाद हमारे जो सुशील सूदन जी प्रेजिडेंट हैं J&K ड्यूटी के, उनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने आज की जो है ये वन डे कंप्लीट स्ट्राइक, इसमें हमने एमरजेंसी को एग्जम्प्ट किया हुआ है, एमरजेंसी सर्विसेज हमारी चलती रहेंगी। तो डिमांड्स हमारी जो हैं ये 2211 हेड की सैलरी है, जो काफ़ी देर से अभी रिलीज़ नहीं हुई है, तो वो हम चाहते हैं कि वो 2211 हेड की जो सैलरी जल्दी से जल्दी हमारी रिलीज़ हो। DPC जो है हमारी काफ़ी देर से पेंडिंग है, ये आपने देखा भी होगा मीडिया के थ्रू, आप मतलब बार बार देखते ही हैं जो हमारी स्ट्राइकें लगातार हो रही हैं। तो DPC ऑल कैटेगरीज की जो DPC है काफ़ी देर से हमारी पेंडिंग है, तो हम चाहते हैं कि DPC हमारी जो है जल्दी से जल्दी हो। उसके बाद हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हम चाहते हैं कि वो लागू हो जाए, और ये हमारी फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन है, फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन ये काफ़ी देर से हमारी पेंडिंग है, तो वो चाहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन हमारी हो। तो बाकी यही डिमांडें हमारी, ये पहले भी यही थी, 24th को भी हमने स्ट्राइक की थी, उसके बाद आज की जो है ये 1 डे कंप्लीट स्ट्राइक है एमरजेंसी को छोड़ के। तो इसके बाद अगर अभी भी हमारी अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो फिर जो भी आज दोपहर के बाद जो भी फैसला हमारी यूनियन जो सुशील सूदन जी प्रेजिडेंट जो लेते हैं तो उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। हो सकता है हमें आगे चेन हंगर स्ट्राइक करनी पड़े, जहाँ हंगर स्ट्राइक करनी पड़े, जहाँ हमें जो स्ट्राइक को आगे एक्सटेंड करना पड़े, तो जैसे भी हमें जो इंस्ट्रक्शन आएगी। तो हम नहीं चाहते हैं हमारे जो लोकल लोग हैं, हमारे मतलब आसपास के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं,
मोहल्लेदार के लोग हैं, हम नहीं चाहते उनको कोई तकलीफ देना, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि ये जो मुलाज़मों की जो है इनको प्रॉब्लम्स को देखें, उनको हल करें, तो हमें कोई छो खोड़े हमें स्ट्राइक पे बैठने का रो। तो इसलिए आपके मीडियम के थ्रू हम ये चाहते हैं कि